आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बता दें, डीयू में विरोध प्रदर्शन को लेकर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दी गई है। प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शन जारी था, जिसके बाद अब भारी सुरक्षा बल को वहां पर तैनात किया गया है। डीयू के आज पैकेची में विरोध प्रदर्शन हुआ है। SFI और इंदू कॉलेज के कुछ छात्र संगठनों ने प्रोटेस्ट बुलाया है। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रोफेसर की जो गिरफ्तारी है उसका विरोध कर रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट के छात्र, अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक और अहम खबर मिल रही है, वो भी आप जान लीजिए। भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है, विरोध प्रदर्शन डीयू में होगा उसको देखते हुए प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी के ऊपर ये विरोध प्रदर्शन है। आज फैकल्टी में विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। और चलिए मेरे सहयोगी रजनीश इस वक्त जुड़े हैं दिल्ली से ही, उनका हम रुख कर लेते हैं। रजनीश, क्या अपडेट, प्रोटेस्ट कब से शुरू होना है? देखिए शालिनी, 11 बजे के आसपास ये प्रोटेस्ट शुरू होना है और इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी की 8 फैकल्टी के बाहर मैं मौजूद हूँ। हालांकि इस यहीं पर जो है तमाम जो छात्र संगठन है, चाहे वो लेफ्ट विंग से जो जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे और प्रोफेसर रतन लाल को आजाद करने को लेकर जो है वो ये प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि भारी पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है, साथ ही जो दिल्ली पुलिस नॉर्थ जिले के जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। मैं इस ओर आपको दिखाऊं कि इस ओर साफ तौर पर आप देखिए कि यहाँ पे बैरिकेटिंग करके इस पूरे प्रमाइसिस को जो ये यहाँ से ही इसी जो जगह से होते हुए 8 फैकल्टी के अंदर, सामने आप गेट देखिए, 8 फैकल्टी के अंदर यहीं से जाया जाता है। लेकिन आज जो है वो भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया, बैरिकेटिंग यहाँ पर कर दी गई है ताकि कोई भी शख्स अंदर की तरफ ना जाए और अंदर जाके प्रदर्शन ना करे। हालांकि जो लेफ्ट विंग से जो SFI और ISA जो लेफ्ट जो है विंग से जुड़े छात्र, बिल्कुल लेफ्ट की जो विंग से ISA हो या SFI हो, कल रात से ही उसके छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें आज जो टीचर्स के संगठन है और उनकी जो कमेटी है वो भी आज प्रदर्शन करने वाली, ये भी बताया जा रहा है। देखिए दिल्ली टीचर फेडरेशन डूटा नहीं है, बल्कि दिल्ली टीचर फेडरेशन जो है वो आज जो है वो इस जो लेफ्ट विंग के जो छात्रों का प्रदर्शन है उसको समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे और उसी के चलते ये तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया है। हालांकि कुछ एक जो है वो प्रदर्शनकारी एक दो छात्र यहाँ पर पहुंचना शुरू भी हो गए हैं, लेकिन अभी जो है वो तमाम जो छात्र है वो यहाँ पर पहुंचे नहीं है। मेरे इस ओर आप देखिए कि जो दिल्ली नॉर्थ जिले से जुड़े जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा है वो खुद ले रहे हैं। बैरिकेटिंग यहाँ पर साफ तौर पर आप देखिए, बैरिकेटिंग यहाँ पर की जा रही है और इस पूरे रास्ते को पूरी तरीके से सील किया जा रहा है ताकि इस रास्ते से होकर अंदर 8 फैकल्टी में कोई भी प्रदर्शनकारी अंदर ना पहुंचे और किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। इसी के चलते तमाम जो व्यवस्था है उसे चाक चौबंद इस समय किया जा रहा है। हालांकि अगर बात की जाए दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए तमाम जो उपाय हैं, तमाम जो कदम है उन्हें उठाया जाएगा और अगर कोई भी शख्स जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को, चाहे वो कोई छात्र हो चाहे वो कोई टीचर्स हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को इंटेंशनली खराब करने की कोशिश करता है तो उसको हिरासत में भी लिया जा सकता है। फिलहाल 11 बजे का वक्त है, लेकिन अभी तक जो प्रदर्शन है वो शालिनी वो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले तमाम जो पुलिस बल है यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। जी क्या इसके बाद कोई मार्च भी निकाला जाएगा रजनीश? और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था वहां पर जो है थोड़ा, मैं चाहूंगी रजनीश आप तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए शालिनी, मार्च का अभी तक कोई प्लान नहीं है किसी भी संगठन का, चाहे वो DTF का हो या लेफ्ट विंग से जुड़े छात्र संगठन का। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो आप देखिए तमाम जगह, चाहे वो महिला पुलिस बल हो या पुरुष पुलिस बल हो, तमाम जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। डिस्ट्रिक्ट लाइन से यहाँ पर कर्मचारियों को बुलाया गया है, साथ ही लोकल पुलिस स्टेशन जो आसपास के हैं, मॉरिस नगर हो या तिमारपुर हो, सिविल लाइन हो, तमाम जगह से बुलाया गया। और अब आप देखिए कि इस ओर जो है इस पूरी रोड को जो है वो इस पूरे जो ब्लॉक जहां से 8 फैकल्टी के अंदर जाया जाता है वहां पर बैरिकेटिंग करके ब्लॉक किया जा रहा है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते से होकर अमूमन जो छात्र हैं वो अंदर 8 फैकल्टी की तरफ जाते थे, लेकिन आज जो है वो किसी भी ऐसे छात्र की अंदर जो है वो एंट्रेंस नहीं है, जिनके पास आई कार्ड नहीं है, वैलिड आई कार्ड नहीं है, और जो लोग इस प्रदर्शन से जुड़े हुए नहीं है या जिन लोगों की आज क्लास है, जिन छात्रों की आज क्लास है, सिर्फ वही छात्र जो है वो अंदर जाने के लिए उनको परमिशन दी गई है, बाकी किसी भी छात्र को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। और तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे आप देखिए अभी भी यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि कोई भी छात्र जो है वो प्रदर्शनकारी छात्र यहाँ पर पहुंच के किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना। जी रजनीश, बने रहिए।